दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि गूगल पे की तरफ से एक न्यू फीचर लॉन्च किया गया है। अगर आप UPI ID से पेमेंट को रिसीव करते हैं तो आपको जो है किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, जो आपको पहले प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था या पेमेंट फेल हो जाता था UPI ID से पेमेंट रिसीव करने में, तो ये फीचर आपके लिए बहुत ही काम का हो सकता है अगर आप गूगल पे यूज करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं, डिटेल एंड प्रोसेस में जानेंगे और ये फीचर आपका किस तरह से काम में आ सकता है और ये फीचर कैसे एक्टिवेट करेंगे, सारा कुछ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आपको गूगल पे एप्लीकेशन ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ऐसा करने के बाद यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज खुलेगा, तो यहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा इस पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैनेज UPI ID, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के ID लिखा हुआ है, उसके बाद जो आपका एक्टिव UPI ID होगा वो यहाँ पर आपका शो करेगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको तीन तरह का यहाँ पे UPI ID मिल जाता है। एक आपको एक्सिस बैंक का UPI ID मिल जाता है, एक आपको HDFC बैंक का UPI ID मिल जाता है, एक आपको SBI बैंक का UPI ID मिल जाता है। तो ये किस लिए यहाँ पे दिया जाता है इसका आप पहले मतलब समझिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ICICI बैंक से आप UPI ID के माध्यम से पेमेंट मंगाना चाहते हैं, अगर किसी कारण बस ये जो है पेमेंट फेल हो जाता है इस UPI ID से, तो आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है कि आप एक्सिस बैंक का UPI ID यूज करके पेमेंट मंगा सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर HDFC बैंक का UPI ID यूज करके पेमेंट मंगा सकते या रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। उसी तरह से SBI का भी सेम फंडामेंटल है, अगर आपका पेमेंट फंस जाता है या एक्सिस बैंक का अगर आप पेमेंट फंस जाता है UPI ID से पेमेंट लेने में, आप SBI का यूज कर सकते हैं। इसका यहाँ पे यही मतलब है तीनों का। अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, तीनों को आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे देखिए प्लस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। SMS के द्वारा यहाँ पे वेरिफिकेशन किया जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरह से आप तीनों का करना चाहते हैं तो तीनों का भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको जो है तीनों UPI ID को इस तरह से यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये तीनों SBI का, HDFC बैंक का, एक्सिस बैंक का। तो इन फ्यूचर में अगर आप पेमेंट फंसता है तो इन तीनों UPI ID को यूज करके वन बाय वन करके आप पेमेंट जो है मंगा सकते हैं। तो बेसिकली इसका यही काम है। तो आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिल चुका होगा, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। अगर इस वीडियो के रिकॉर्डिंग कोई भी आपका सवाल या सुझाव है तो कमेंट में बता सकते हैं। अगर इस वीडियो को यहाँ तक आप देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।